चमचमाती सड़कों और आसमान छूते पुलों के लिए न जाने कितने पेड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है। विकास के नाम पर लगातार आज भी पेड़ों की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन राजस्थान के उदयपुर में एक शख्स ने अपना घर बनाने के लिए जिस तरह बिना पेड़ काटे ही शानदार घर बना दिया, वो देखकर आप कहेंगे पेड़ों के लिए प्यार हो तो ऐसा। किसी इंजीनियर का दिमाग कितना तेज चलता है और वो इंजीनियर किस हद तक आगे जाकर सोच सकता है, पेड़ पर बना ये घर उसका एक शानदार नमूना है। कहते हैं इंजीनियर अगर चाह दे तो एक से एक मुश्किल काम भी चुटकियों में हो जाता है। उदयपुर के इंजीनियर केपी सिंह ने भी ठान लिया था कि उन्हें एक शानदार 3 मंजिला घर बनाना है, लेकिन उनके इस सपने के बीच में ये पेड़ आ रहा था। चाहते तो इंजीनियर केपी सिंह इस पेड़ को काटकर अपने रास्ते से हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पेड़ को ही अपना सपना पूरा करने के लिए रास्ता बना लिया और खड़ा कर दिया एक शानदार ट्री हाउस। करीब 20 साल पहले बनाए गए इस शानदार ट्री हाउस में वो सभी सुविधाएं हैं जो आपके 2 BHK या किसी बंगले में होती हैं, यानी शानदार बेडरूम, किचन, वॉशरूम, लाइब्रेरी, आपकी जरूरतों की हर सुविधाएं। ये शानदार घर इंजीनियर केपी सिंह ने साल 2000 में बनाया था। इसके पीछे उनका मकसद था कि पेड़ों को कटने से बचाया जाए और उनका ये घर प्रकृति के प्रति प्रेम की एक मिसाल बन जाए। IIT कानपुर से इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले केपी सिंह ने कहा, इस इलाके को पहले कुंजरों की बाड़ी कहा जाता था। यहाँ रहने वाले लोग फलों के पेड़ लगाते थे और फल बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और शहर की आबादी बढ़ने लगी तो यहाँ लगे लगभग 4000 पेड़ों को काटकर प्लॉट तैयार किए जाने लगे। जब मेरी मुलाकात एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई तो मैंने उन्हें पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें उखाड़कर अन्य खाली जगह पर लगाने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने कहा इसमें बहुत खर्चा आएगा। इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि अगर पेड़ों को कहीं और नहीं लगा सकते तो आप पेड़ों पर ही घर बना दीजिए, लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो केपी सिंह ने ठान लिया कि वो अब पेड़ पर ही घर बनाएंगे और उन्होंने उसी जगह पर प्लॉट खरीदकर एक आम के पेड़ पर घर खड़ा कर दिया। केपी सिंह ने इस शानदार ट्री हाउस के बारे में बताया, जब मैंने घर बनाना शुरू किया तब आम के पेड़ की लंबाई लगभग 20 फीट थी, इसलिए उस समय मैंने सिर्फ 2 मंजिला घर ही बनाया। अपने सपनों के इस घर को बनाने के लिए मैंने इस पेड़ की एक टहनी तक नहीं काटी। मेरा घर जमीन से लगभग 9 फीट ऊंचाई पर है और पेड़ के तने के सहारे टिका हुआ है। आज इस पेड़ की लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा है। इस घर को बनाने के लिए केपी सिंह ने सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने स्टील से ही पूरा ढांचा खड़ा किया है और सेल्यूलोज शीट फाइबर से घर की दीवारें और फर्श बनाया है। जमीन से करीब 9 फुट ऊपर बने इस आलीशान घर में केपी सिंह ने रिमोट से चलने वाली सीढ़ियां लगाई हैं। बिल्कुल पेड़ के हिसाब से उसी आकार में 3 मंजिला घर खड़ा कर देने वाले केपी सिंह के इस घर में अक्सर चिड़ियां भी आ जाती हैं, जिनकी उन्हें अब आदत सी हो गई है, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने हमारी जगह पर नहीं घर बनाया, हमने उनकी जगह पर अपना घर बनाया है। गर्मियों के मौसम में इस पेड़ पर आम भी लगते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें ये घर इतना शानदार है कि इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। आज 20 सालों से आम के पेड़ पर बना ये घर झीलों के शहर उदयपुर की पहचान बन गया है, इसलिए आप जब भी कभी उदयपुर जाएं तो एक बार इस अनोखे घर की सैर जरूर करें, जिसे देखकर आपको अद्भुत आनंद मिलेगा। बहरहाल पेड़ पर ऐसा शानदार घर बनाने वाले इंजीनियर केपी सिंह और उनके ट्री हाउस के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।